नमस्ते इंडिया। शकरकंद यानी कि स्वीट पटेटो एक जड़ वाली सब्जी है। इसका टेस्ट मीठा और स्टार्च वाला होता है। देखिए, आपको कई अलग अलग कलर्स में मिल जाता है, मगर ये खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। दरअसल इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है। देखिए, जब आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में जो पुरानी बीमारियों को वापस से ला सकता है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो उस फ्री रेडिकल से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपको पुरानी बीमारी अब वापस से नहीं हो सकती है। देखिए, वैसे तो शकरकंद खाने के यानी कि स्वीट पटेटोज खाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हो। देखिए, इसका ये मीठा होने के बावजूद भी इसका जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसके चलते ब्लड शुगर जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बॉडी में बढ़ता है। अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हो तभी भी आप शकरकंद खा सकते हो, क्योंकि इसका जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है। दरअसल आलू जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं खा सकते हैं, मगर शकरकंद खा सकते हैं, क्योंकि आलू खाने पर ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ जाता है। वहीं पर शकरकंद खाने से आपका जो ब्लड शुगर होता है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। दरअसल इसके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन ई, B6 और सी पाया जाता है, जो कि आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपकी आँखों की रोशनी कम होती जा रही है तभी भी आप शकरकंद का सेवन कर सकते हो। इससे आँखों की रोशनी तक को बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि आपके पेट को भी दुरुस्त रखता है, यानी कि आपके पाचन तंत्र को भी हेल्दी बनाता है। अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो तभी भी आप शकरकंद का सेवन कर सकते हो। दरअसल ये आपकी आपके डाइजेशन को भी हेल्दी बनाता है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन्स पाए जाने की वजह से ये आपको हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। इससे आप अपने इम्यूनिटी तक को भी बूस्ट कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो। इसके अंदर सूजन रोधी गुण भी होते हैं, यानी कि जब आपको शरीर के अलग अलग हिस्सों में जब सूजन आ जाती है तभी भी आप शकरकंद खा सकते हो। इससे सूजन को भी कम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी वो टाल सकता है। शकरकंद के अंदर पाया जाने वाला हाव पोटेशियम आपका ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है, और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी वो कम कर सकता है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। जब आप शकरकंद खाते हो तो बहुत ही कम मात्रा में आपका पेट अच्छे से भर सकता है, और जब आपका पेट भरा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि आप कम खाना खाओगे, और बहुत ही देर के बाद आप कम खाओगे। यानी कि जब आप स्वीट पोटैटो उसका सेवन करते हो तो आप अपना वज़न कंट्रोल में भी रख सकते हो, और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो, वेट लॉस डाइट में, आप इसको ऐड भी कर सकते हो। इसके अंदर विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी स्किन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब आपकी बॉडी में कॉलेजन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, और आपके बालों को भी वो हेल्दी बनाता है। दरअसल ये विटामिन जो है वो सूरज से होने वाले नुकसान से आपकी स्किन को बचाता है, और साथ ही में जो समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है उसके भी रोकथाम में मदद करता है।